मरने वालों में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से सलाम है ऐसे वीरों को जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर हर घड़ी तैनात रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि कोई फौजी किस धर्म से है? देश रक्षकों का सिर्फ एक ही धर्म है, हमारे देश को दुश्मनों से बचाना। जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो हमारा खून खोल उठता है। सोचो उन सैनिकों के परिवार पर उस समय क्या बीतती होगी। वो माँ, वो बीवी, वो बच्चे कैसे चैन से सो पाते होंगे। वीरों ने हमारे लिए हंसते हंसते अपनी जान गवा दी, ऐसे वीरों को मेरा दिल से सलाम। उनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भुला सकते। भारत माता के लिए शहीद हुए हमारे वीरों की वीर वधुओं की तरफ से कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। उम्मीद है आप लोग दिल से उन्हें सुनेंगे, वे वीरों की शहादत को याद करेंगे। एक वीर वधु अपने शहीद पति के प्रति क्या कल्पना रखती है, एक कविता के माध्यम से यह व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। कविता का शीर्षक है लौट आओ। लौट आओ तुम कि मैंने तुम्हें दिल से पुकारा है, हर पल तुम्हारा साथ ही मेरे जीने का सहारा है। लाखों की भीड़ में भी तुम्हें ही ढूंढती हैं आंखें मेरी, गुनगुनाती रहती तुम्हारा ही नाम ये सांसें मेरी। न जाने कब से तुम इतने बेवफा हुए, न जाने क्यों तुम हमसे खफा हुए। किया था वादा हरदम साथ रहने का, किया था वादा हरदम साथ रहने का, बेझिझक अपनी हर बात कहने का। लग गई हमारी खुशियों को बुरी नजर, दूरियां जो अपनी बढ़ गई इस कदर। हो गया है दुर्लभ ख्वाबों में भी तुम्हें पाना, इस दिले बेकरार का मैं लिख रही अफसाना। दुआ है खुदा से कोई तो करिश्मा दिखाए, किसी तो मोड़ पर हमें फिर से मिलाए। लौट आओ कि तुम्हें मैंने दिल से पुकारा है, हर पल साथ तुम्हारा ही मेरे जीवन का सहारा है, मेरे जीवन का सहारा है। धन्यवाद। जय हिंद। सलाम है मेरा सभी वीरों को जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए। हमें ऐसे वीरों की शहादत का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवार को और उनकी वीरांगनाओं को हमेशा हमें इज्जत भरी नजरों से देखना चाहिए। हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। जय हिंद।